मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। दोस्तों गाड़ी होंडा सिटी ZX आई है हमारे पास और इग्निशन स्विच काम नहीं कर रहा है। दोस्तों गाड़ी फंस गई थी, गाड़ी को लेके आया। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में इग्निशन स्विच बंद हो जाए, लॉक हो जाए, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसको आप खुद घर बैठ के रिपेयर कर सकते हैं, टेक्निक मैं बताऊँगा बने वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसकी जो फिटिंग्स है, फिटिंग इजी आप खोल सकते हैं, देख के बिल्कुल आसान है इसकी फिटिंग। जैसे भी है हमने सारे नट बोल्ट स्क्रू सारे लूज कर दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारी हेडलाइट कॉम्बिनेशन स्विच है जिसके दो यहाँ पे जैक लगे रहते हैं, कनेक्टर इनको रिमूव कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, कोई नट बोल्ट नहीं है इस पर, खींच के बाहर आएगी। दोस्तों ये यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, इसको हल्का सा लूज करके इसको बाहर को लाना है। और इसके बाद हमारा ये लॉक है, इग्निशन लॉक है, जिसके हमने नट लूज कर दिए हैं, इसको भी आप बाहर लेके आएंगे। अब दोस्तों ये जो है हमारा ये लॉक हो चुका है, बिल्कुल लॉक है, और इस पर हमारी जो चाबी है घूम नहीं रही है। ये देखिए ये बिल्कुल ही लॉक हो चुका है, रोटेशन नहीं ले रहा है। दोस्तों तो इसको हम करेंगे अभी रिपेयर, और देखते रहें वीडियो में बने रहें, इसकी बिल्कुल भी ना करें वीडियो। तो दोस्तों इसको करना है रिमूव बिल्कुल ईजी, इस तरीके से देखिए, इसको लिफ्ट करके आपका पूरा सिस्टम ही बाहर आ जाएगा। ये देखिए देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी, इसको हमने लाया बाहर। ये आपका इमोबिलाइजर है, स्कोटी सिस्टम। तो दोस्तों इसको बिल्कुल इजी तरीके से, इसका सबसे पहले हमने इमोबिलाइजर उठा दिया है जो हमारा स्कोटी सिस्टम है, उसके बाद आपका जो मैकेनिज्म है ये देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से रहता है। ये आपकी जो मेन, देखिए दोस्तों चाबी रोटेशन नहीं ले रही है, जो हमारी की है ये रोटेशन नहीं ले रही है। तो इसका मैं तरीका बताऊँगा, हर एक चीज़ को देखिए बिल्कुल बारीकी से हम डिसमेंटल करेंगे, और देखते रहना आपने। ये देखिए लॉक सिस्टम भी आपका बाहर आ गया, स्प्रिंग लोडेड है दोस्तों, इसको भी निकाल दिया। हर एक पार्ट्स को उसके संभाल के रखना आपने। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसकी लॉक पिन है जिसे हम कर रहे हैं रिमूव। तो दोस्तों इस पिन को निकालना है बाहर, ये जो गिरी है, और इसके बाद इसको इसको कर लेना मार्क आपने, इसको मार्क कर लेना है कि मार्किंग के सिवाय कहीं और को ना खोले। दोस्तों यहाँ मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया, फिर आप ना इसको उल्टा लगा पाएंगे दोस्तों, जिस तरीके से खुला है उसी तरीके से लगेगा ये पार्ट। इसको भी रिमूव कर दिया, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, मेन दोस्तों ये जो आपके पास चाबी का जो हमारी यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस है, ये चीज़ आपकी यहाँ से बीच में से छूट जाता है, इसका लॉक हमने जो घूम नहीं पा रहा है, इसको रिमूव कर दिया बाहर। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपकी एक ख़राब हो चुकी है। इसमें 6-7 चीज़ रहते हैं लॉकिंग डिवाइस, 6-7, 1, 2, 3, 4, 3 एंड 3, 6। तो ये दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ है, इसी की वजह से ये जो हमारा ये आपने रिमूव करना है दोस्तों। ये एक चीज़ ये देखिए, इसी की वजह से आपका लॉक फंस चुका है। ये इसको रिमूव कर दीजिए, और इसके बीच में दोस्तों एक स्प्रिंग रहता है। अब देखिए आप ये चीज़ आपने, बाकी रह गए दोस्तों इसमें काफ़ी हैं, इसमें एक को रिमूव कर दिया आपने। ये देखिए अब देखिए इस तरीके से, अब वो लॉक जो था वो हमने बीच से रिमूव कर दिया, उसके बाद रोटेशन लेना स्टार्ट कर दिया दोस्तों इसने। इतना सा छोटा सा काम रहता है, बट आपको शर्त ये है हर एक चीज़ को बड़े ठंडे दिमाग से खोलना है, और एक एक चीज़ को आपने जैसे इस तरह से हमने केयर की है, कोई स्किप ना हो, कोई आइटम स्किप ना हो। अगर पता ना चले तो वीडियो भी देख लें, या फिर साथ में वीडियो भी बनाते रहें। तो इस तरीके से ये आपका लॉकिंग जो सिस्टम है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। तकरीबन 300-400 रुपये का खर्चा रहा, और 300-400 रुपये में आपका लॉक सेट पूरा बच गया दोस्तों, ये छोटा सा काम। और इसी तरीके से वापिस आप इसको आपने करना है, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ से देखिए जो साइन है आपका, इसको मिलाना है। ये देखिए दोस्तों ये साइन आपने मिला दिया, ये देखिए, और साइन को मिलाने के बाद इस पिन को फिर से डालना वापस। तो दोस्तों इस लिंकेज को भी हमने कर दिया अटैच, ये देखिए अब काम कर रहा है 0-0, और इस पर स्प्रिंग लोडेड था, ये इसको भी स्प्रिंग अटैच करना है साथ में ही। दोस्तों ये अरेंजमेंट जो हर एक चीज़ में सेम रहेगा, अगर आप लॉक को डिसमेंटल कर रहे हैं तो आपने बड़े सोच समझ के ठंडे दिमाग से, ये आपका बिल्कुल काम कर रहा है। इग्निशन स्विच का जो हमारा मेन इग्निशन स्विच का कनेक्टर है, ये देखिए इसको आपने
ये आपका क्रैंकिंग है, ये आपका ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इसको अपने ही प्रॉपर जो जगह है इसकी यहाँ पे बैठाना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपने इसको भी बैठाना है, ये काम कर रहा है। ओके, और इसमें दोस्तों एक तरह की डबल है हमारा लॉक है, इसको भी लॉक करना है कि लॉक आपका बाहर ना चला जाए। ये देखिए दोस्तों, ये आपका फंस चुका है। इसके बाद हमारा जो इमोबिलाइजर है दोस्तों, इसको भी आपने प्रॉपर तरीके से बैठाना है अपनी जगह। ये देखिए दोस्तों, फाइनली बैठ गया है। लॉक जो हमारा स्टीयरिंग लॉक रहता है, इसको भी आपने देखना है। ये देखिए बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, जब आप चाबी बाहर निकालेंगे तो लॉक हो जाएगा, चाबी को आप ऑपरेट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब फाइनली फाइनली देखिए आपका इग्निशन स्विच, इसको आपने करना है कनेक्ट। ये देखिए आराम से, क्योंकि इसका आपने इस चीज़ को ऑफ रखना है। ये ऑटोमेटिक ऑफ है। इन ग्रुप को मिला के आपने, ये देखिए ये लग गया दोस्तों आपका। ये देखिए ये अब काम कर रही है, देखिए आवाज़, ये देखिए। दोस्तों फाइनली हम हुए सक्सेस, और अब इग्निशन स्विच जो है हमारा स्टार्टिंग स्विच है, इसको बैठाएंगे अपने यहाँ पे ग्रुप में, जहाँ पे यहाँ पे ग्रुप है इसका। ये देखिए इस तरीके से, करेंगे सिस्टम को हम फिट। आपको भी हमने एक एक चीज़ से अवगत करवाया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा हूँ, पर इसको आप नेगेटिव वे में भी यूज ना करें, लॉकिंग का जो सिस्टम रहता है, क्योंकि जो नेगेटिव रास्ता है उसका अंत काफ़ी बुरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों इग्निशन स्विच को बैठा दिया हमने अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे ये हमारा लॉक होगा। तो आपको हर एक टेक्नोलॉजी से हमने अवगत करवाया, और इसको आप पॉजिटिव वे में ही यूज करें दोस्तों। लॉक के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई चोरी के लिए यूज नहीं होना। ये टेक्नोलॉजी आप ना लगाएं कि आप दूसरी की लगा के गाड़ी को ले जाएं, ऐसा ना करें। तरीका हमने पॉजिटिव वे रखना है, पॉजिटिव वे का जो मतलब है दोस्तों, आप लाइफ टाइम इस टेक्नोलॉजी को यूज करें और अपनी समाज के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल ओके। तो दोस्तों कनेक्टरों को भी करना है कनेक्ट प्रॉपर, अपनी अपनी जगह बैठेंगे अपनी जगह पे सभी। ये इमोबिलाइजर है हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे हेडलाइट कॉम्बिनेशन स्विच की वायर्स हैं। तो दोस्तों ये हमारा हेडलाइट कॉम्बिनेशन स्विच जो रहता है, इसकी भी आपने कनेक्टरों को कनेक्ट करना है, गलती ना हो दोस्तों। फाइनली हम हुए सक्सेस, कई बार हुए दोस्तों, एक बार नहीं कई बार। ना चाबी बदलने का झंझट, ना कोई कोडिंग, ना कोई स्कैनिंग, ना कुछ भी, आपके ही लॉक को हमने रिपेयर किया है। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों सर्टिफाइड काम है, अगर फेलियर हो जाएगा दोस्तों तो मेरी डिग्री करने का कोई फायदा नहीं दोस्तों।